हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ डियर साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर थर्ड पॉइंट दैट इज कीपिंग क्वाइट। बट बिफोर दैट आई असाइंड यू इन माई लास्ट क्लास दैट यू वर टू राइट सम क्रिटिकल नोट्स अबाउट योर फोर्थ पॉइंट, ओके, अबाउट द स्टेंजा ऑफ द फोर्थ पॉइंट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। एंड द स्टेंजा वी डिस्कस्ड यस्टरडे वॉज देयर फोर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीथिंग अ फ्लॉरी बेंट टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इन्यूमन अर्थ ऑफ नॉवल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आर सर्चिंग, ओके। एंड इन दिस स्टेंजा देयर आर मैनी लिटरेरी डिवाइसेज विच वी कैन डिस्कस, जिन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेज हैं। तो चलो दोस्तों लिखते हैं, ये देखिए एक बार थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ओके। अब लिखते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग लिखते हैं, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। आपको क्रिटिकल नोट्स में लिखा रहा हूँ, क्रिटिकल नोट्स, ओके। क्रिटिकल नोट्स में पहला जो क्रिटिकल नोट है अपन वो लिखते हैं, ठीक है। पहला जो फर्स्ट क्रिटिकल नोट है वो लिखेंगे हम, 75% करना पड़ेगा इसको, 1 मिनट, ओके, आई थिंक इट्स इनफ। इसको मुझे साइड में ले जाना पड़ेगा, ये ले गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्रिटिकल नोट्स में आप देखिएगा, क्रिटिकल नोट्स में अपन ने सबसे पहले पहला पॉइंट बनाएंगे कि भाई क्या इसमें लैंग्वेज है, तो लिखेंगे द लैंग्वेज ऑफ द स्टेंजा, साथ साथ लिख सकते हैं आप द लैंग्वेज ऑफ द स्टेंजा इज सिंपल लिटरेरी, LITERARY, लिटरेरी एंड कॉम्प्रीहेंसिबल, ओके, कॉम्प्रीहेंसिबल, ये लाइन आप पहले भी लिख चुके हो, ओके। सेकेंड लाइन आप देखेंगे इसके अंदर कुछ लिटरेरी डिवाइसेज अगर हो तो चलो शुरू करते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर बी ब्रीदिंग अ फ्लोरी बेंड टू बाइंड, देखो बेंड टू बाइंड, ठीक है ना, यहाँ पर बी का रिपीटेशन हो रहा है, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर में भी एलिट्रेशन आ रहा है, ठीक है ना, ग्लूमी डेज, देखो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज़ किया गया है, ठीक है ना, ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज़ किया गया है, और ठीक है ना, इसके बाद में आप देखेंगे ऑफ ऑल अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आर सर्चिंग, तो मेड फॉर आर सर्चिंग, यहाँ पर पहले तो अपन इन दोनों पॉइंट्स को लिख देते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट के बारे में बता चुका हूँ कि देखो दिन उदासीन नहीं होते, उदासीन इंसान होता है, तो जब कोई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को हम नॉन लिविंग थिंग से पहले लगा देते हैं तो वो ट्रांसफर्ड एपिथेट है, तो लिखेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट, EPITHET एपिथेट इज यूज्ड इन किन किन में, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, दो फ्रेज हैं, एक तो है ग्लूमी डेज और एक है दूसरा अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, ओके, ये आपको क्लियर करना है, ठीक है, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, ये हो गया, ये दोनों फ्रेज हो गए, ठीक है, इसको कर दो। अब देखो इसके बाद अपन अगर देखें तो अलिट्रेशन इसमें यूज़ किया गया, तो तीन कमेंट्स बहुत हैं, तो अलिट्रेशन इज यूज्ड अलिट्रेशन कहाँ यूज़ हुआ है, तो आप लिखेंगे दो फ्रेज हैं, एक तो बेंड टू बाइंड, तो बेंड टू बाइंड में आपको करना क्या है, बी और बी को अंडरलाइन कर देना है, एक अपन का नोबल नेचर NATURE, ठीक है ना, और N और N को अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, तो ये अपन का लिटरेरी डिवाइसेज हो गई। वैसे आपको उम्मीद थी कि सर अगले दिन बताएंगे ही, तो आप लोगों ने कुछ लिख के नहीं भेजा, आप लोगों ने डाउट में भी नहीं भेजा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के रिस्पॉन्स पा करके।
चलो कोई बात नहीं, आप लोग जैसे हो वैसे ही रहोगे शायद, यू डोंट नीड और यू डोंट वांट एनी चेंजेस इन यू, तो आप चाहते ही नहीं हो तो कोई बात नहीं. इट्स माई ड्यूटी टू टीच यू इन ए प्रॉपर वे, इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट द पोएम और अबाउट द अबाउट माई टेक्स्ट अबाउट माई टीचिंग, ओके. लेकिन आपकी जो ड्यूटी बनती है, यू आर जस्ट फॉरगेटिंग दैट और आप इसे भूल रहे हो. योर ड्यूटी इज़ टू रिस्पॉन्ड टू योर टीचर, और इफ़ यू डोंट रिस्पॉन्ड टू योर टीचर देन यू आर नॉट मूविंग अहेड, तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो. साथ ध्यान रखना आप इस चीज़ को. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपने टीचर के द्वारा क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उनका रिस्पॉन्स अच्छे से करना चाहिए, और आप नहीं करोगे तो टीचर इंटरेस्टिंग आपकी क्लासेस को नहीं रख पाएगा, ठीक है ना, और आप इंटरेस्टेड रह नहीं पाओगे. तो आप इंटरेस्ट तभी जगा सकते हो जब आप उसको रिस्पॉन्स समय पर दें, रिप्लाई दें. कोई बात नहीं, ओके. तो लेट अस मूव टू द न्यू पोएम, दैट इज़ कीपिंग क्वाइट. चलो, कीपिंग क्वाइट का मैंने एक स्टैंजा पहले से तैयार करके रख रखा आप लोगों के लिए. तो दिस इज़ द स्टैंजा विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. कीपिंग क्वाइट, यू नो, पाब्लो नेरुदा की पोएम है, चिलियन पोएट है. और पाब्लो नेरुदा ने कहा है कि हम लोग क्या है कि हमें पीस और साइलेंस चाहिए हमारे लाइफ में, और अगर हम पीस और साइलेंस अगर रखेंगे तो हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, चाहे वो दूसरे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे नेचर हो, या एनवायरनमेंट हम कह सकते हैं, या एनिमल हो. तो इससे क्या है, हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे कि हमने अब तक क्या पाया और क्या खोया है. तो पॉइंट कहते हैं कि जो लोग दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो पर्यावरण के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, जिनमें गैस और फायर यूज करते हैं, उनको विक्ट्री तो मिल जाती है लेकिन सर्वाइवर्स नहीं मिलते. वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद योर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, ठीक है. और दोस्तों, एक बात बताता हूँ, वैसे तो मुझे मालूम है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत कम लोग होते हैं जो 12th में इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं, और फिर भी जितने भी लोग डेडिकेटेड हैं, जितने भी लोग समर्पित हैं, अपने करियर को सोच रहे हैं, अपने भविष्य के निर्माण में, अपने करियर, अपनी आजीविका के निर्माण में, या कहते हैं कि अपने लाइफ को मोल्ड करने के लिए जो हिंदी और इंग्लिश को रेगुलर देख रहे हैं, उनके लिए यह है कि अगर मानो किसी भी पॉइंट में डाउट आ रहे हो, आप नहीं पूछ पा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो देखो, पहले तो सबसे पहला काम है आप वीडियो को रिवाइज़ करो. अगर आपको रिपीट करने पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं स्कूल के अंदर 12 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक अवेलेबल आपको रहूँगा. आप आकर के किसी भी चीज़ को कभी भी पूछ सकते हैं 12 से 5. तो यू कैन कम आफ्टर 12 बिफोर 5 PM, ओके. या आप आ सकते हो, आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, और मुझे इतनी आपसे उम्मीद तो है ही, मतलब मुझे आप पर इतना अंधविश्वास तो है कि आप आएंगे नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं उनके समझ में आ जाती है, फिर भी नहीं आती है तो वो थोड़ा संकोच करते हैं. कोई बात नहीं, आपको भी पता है करियर में कहीं काम आने वाली नहीं है, आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन लाइफ में बहुत जगह पर ये काम आएगी. कुछ भी बन जाइए आप, कुछ भी हो जाइए, इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, आप और भी कुछ बनोगे तो आपके ये काम आएगी. जीवन की जो विज्ञान है, ह्यूमन साइंस जिसे कहते हैं, मानव विज्ञान, वो जीवन में कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ती है. आप लोगों को ये आनी ही चाहिए, ह्यूमन साइंस, ओके. तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, तो इसके बारे में हम चलते हैं. तो देखो, हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, इसको मैं हटा देता हूँ, दोज से लेकर के डूइंग नथिंग तक, दोज से लेकर के डूइंग नथिंग, दोज से लेकर के those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, doing nothing, with walk about with their brothers, doing nothing, कुछ ना करते हुए, हो गया, doing nothing, is it clear? कुछ मुझे लगता है बहुत छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, आगे से बड़ा लिखूँगा मैं, okay. अब देखिए, आपको लिखना है reference, okay, क्या लिखना है, reference. तो मुझे लगता है शायद वीडियो बड़ी ना हो जाए तो मैं आज आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखाऊंगा, एक्सप्लेनेशन हम कल लिख लेंगे इसकी, ठीक है. तो देखो, रेफरेंस में क्या है, आप लिखेंगे कि दीज पोएटिक लाइंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड. आपने टेकन लिखा था अभी तक, अपन इसमें एक्सट्रैक्टेड भी लिख सकते हैं, टेकन भी लिख सकते हो. मैं तो अलग अलग इसलिए लिखा रहा हूँ कि सब अलग अलग लिखेंगे तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा. एक्सट्रैक्टेड, बाकी एग्जाम ही नहीं लगी तो वो बात अलग है. एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक पोइम है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, ठीक है. ये पोइम हो गई, इसको सिंगल वर्डेड कॉमा में क्लोज कर दिया. कंपोज्ड बाय अ फेमस
सी कैपिटल लिखना, चिलियन पॉइंट, नाम आप जानते हैं डैश लगा के क्या लिखेंगे नाम बताओ, पाब्लो, पाब्लो नेरुदा। आप चाहे तो ब्रैकेट्स में इसमें लिख सकते हैं, क्या आपको याद होगा इसका नाम बताओ क्या नाम है, रिकार्डो, आर आई सी ए आर डी ओ, याद है, एलिसियर, एल आई ई सी ई आर, इसमें ई पर ये लग रहा था कुछ इस तरीके से, एलिसियर, ये चिलियन वर्ड्स होते हैं, एलिसियर, नेफ्टाली, एन ई एफ टी एल आई, नेफ्टाली रेइस, आर ई वाई ई एस रेइस, और बेसोल्टो, ओ ए एल टी ओ, है ना, ये इसका ब्रैकेट्स में नाम है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। हु वॉज द नोबल प्राइज़ विनर, नोबल प्राइज़ विनर, ये नोबल प्राइज़ भी इनको मिला है आपको पता है, विनर फॉर लिटरेचर, किसके लिए मिला था इनको, लिटरेचर के लिए मिला था, कब मिला था पता है, इन 1971। अब आपने ये लिख दिया, चाहो तो आप इनका ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ लिख दो, 1904 टू 1963 या 74 कुछ इस तरीके से था ना, तो आप देखो इसको ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो 74 था, ठीक है ना, 1974। तो आप देखो इसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, तो मैं कॉन्टेक्स्ट लिख देता हूँ, सी ओ एन टी ई एक्स टी। देखो ये चीज़ समझने की नहीं है बेटा, ये तो आपको है ना पढ़नी पड़ेगी, है ना, ये तो पढ़नी पड़ेंगी, इनका कोई समझने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ याद करने का तरीका है, और मैं फिर भी लिखा रहा हूँ आपको, प्रिंटेड नोट देने की बजाय एक एक रोज क्लास में बता रहा हूँ, हर एक पोइम का रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा, बस आपको एक्सप्लेनेशन चेंज करनी है, क्रिटिकल कमेंट्स आपको स्टैंजा वाइज देखनी है, फिर भी आप जब पूरी 6 पोइम्स पढ़ लोगे तो आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी, सर अल्ट्रेशन कहाँ बोलते हैं, सर ट्रांसफर्ड एपिथेट कहाँ बोलते हैं, सर सिमिली कहाँ बोलते हैं, सर मेटाफर कहाँ बोलते हैं, सब आपको पता लग जाएगा। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट देखिए, हेयर नेरुदा, हेयर नेरुदा gives his readers अपने पाठकों को देता है the message, एक संदेश, क्या करने का, the message to keep peace and silence and stop, और क्या कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, स्टॉप डिस्ट्रॉइंग, डी ई एस टी आर ओ आई एन जी, डिस्ट्रॉइंग एनवायरनमेंट, ई एन वी आई आर ओ एन एम ई एन टी, बीकमिंग बन करके कैसा बन करके, बीकमिंग हार्मलेस, नुकसान रहित बन करके, किसके लिए हार्मलेस, किसके लिए बनना है, बीकमिंग हार्मलेस फॉर अदर ह्यूमन बींग्स, दूसरे मानवों के लिए, अदर ह्यूमन बींग्स मानवों के लिए, क्रिएचर्स या फिर एनिमल्स कह दो, एनिमल्स ए एन आई एम ए एल एस, पशुओं के लिए एंड नेचर, और प्रकृति के लिए, ठीक है ना। ही सजेस्ट, वो सुझाव देता है, ही सजेस्ट एवरी वन, सजेस्ट के बाद टू लगाएगा, ही सजेस्ट टू एवरी वन, वो हर किसी को सुझाव देते हैं, ठीक है ना, दैट दे शुड, दे क्यों ने क्या करना चाहिए, दैट दे शुड क्यों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, दे शुड इंट्रोस्पेक्ट दे शुड इंट्रोस्पेक्ट क्यों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब इंट्रोस्पेक्ट माने होता है अंतर्मनन करना, ध्यान से अपने बारे में, मतलब जो आपने किया है अंतर्मनन करना, जो आपने किया उस पर ध्यान से सोचना, उसको अंतर्मनन करना कहते हैं, तो शुड इंट्रोस्पेक्ट व्हाट दे हैव डन कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है ना, ये यहाँ पर होगा। तो अब ये आप पॉइंट सजेशन देता है पूरे पॉइंट में, फिर एक्सप्लेनेशन जो होगी दोस्तों इसकी, वो एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल कमेंट्स हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स के बाद हम सेकंड पोइम का एक स्टैंजा और ले लेंगे, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, और उम्मीद है दोस्तों जिन स्टैंजाज को हम पढ़ रहे हैं वही स्टैंजा
आपके बोर्ड पेपर में देखने को आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हम स्टैंजाज ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको तैयार भी करना, अच्छे से नोट्स बनाना, बढ़िया सुंदर सुंदर, और अगर हो सके तो आप अच्छे से सुंदर नोट्स बना करके अगर आपको कोई डाउट हो तो वो मुझे पूछने के लिए आप आ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय। एक बार स्क्रीन शॉट और ले लो इन सबका, ये लीजिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। पहले तो एक रेफरेंस को बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए रेफरेंस आपका बड़ा हो गया है। और इस रेफरेंस के कंप्लीट होने के बाद आप एक काम कीजिएगा, इस कॉन्टेक्स्ट का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।